हम आए थे 3 महीने पहले। तो किस तरह आना हुआ था ये? किस तरह अपनी बहन के यहाँ मिलने आए थे और फिर यहाँ के 15-20 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया, उसमें हम फंस गए और काफी परेशानी रही। अब हम शुक्रगुजार हैं इंडिया गवर्नमेंट का कि हमें रिलीफ मिल रहा है और हम अपने मुल्क जा रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जो वहाँ पे हिंदुस्तान के जो लोग गए हुए हैं वो भी वापस आएं, अपने घरों को जाएं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस कोरोना के माहौल में? कोरोना का भाई हिफाजत करनी चाहिए। ये जो भी लॉकडाउन किया जा रहा है हमारे लिए किया जा रहा है और हमारे ही लिए अच्छा है ये, और हमें लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये कंटिन्यू रखना है। हम लोग 26 फेब को पहुंचे थे इंडिया और हम 45 डेज के लिए आए थे, तो 40 और आज हमें 3 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं। आज हम जा रहे हैं, लॉकडाउन में हम फंसे हुए थे। तो कोई मुश्किल तो नहीं लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे? नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं आई, घर पर ही थे हम लोग। तो अरेंजमेंट ठीक थे भारत सरकार के? जी, बहुत अच्छे थे। क्या चाहेंगे दोनों सरकारों को, आपको भेज रहे हैं यहाँ से स्पेशल? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या कहना चाहेंगे दोनों सरकार? मैं दोनों का थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी केयर के लिए इतना लॉकडाउन को बार बार कंटिन्यू किया, और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी कि वो हर 21 मार्च से लॉकडाउन लगा था वहाँ पर, और फिर हम बार बार वीज़ा अपना एक्सटेंड करवा रहे थे, तो हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं हुई। थैंक्स करेंगे आपके, आप जी जानिब भेज रहे हैं? जी बिल्कुल, दोनों गवर्नमेंट्स का हम थैंक्स करेंगे, इंडियन एम्बेसी का भी और पाकिस्तान का भी, कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। हम 45 दिन के लिए आए थे, अब 3 महीने आज पूरे कंप्लीट हो गए। हमने बहुत मतलब कोशिश की, हर बार लॉकडाउन लग जाता था और वो हमारा वीज़ा एक्सटेंड कर देते थे इंडियन गवर्नमेंट, उसका थैंक यू है बहुत ज़्यादा। और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ कि भई अब हम जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब बॉर्डर खुलेगा तो हम भेज देंगे आपको। हम पाकिस्तान एम्बेसी के भी शुक्रगुजार हैं, वहाँ पर भी हम फ़ोन करते रहे, पूछते रहे उनसे। तो इंडिया में कितनी खुशी घर जाने की? जी कितनी खुशी आई? ज़ाहिर बहुत खुशी है, इसलिए कि वहाँ पर तमाम मेरे पेरेंट्स, रिश्तेदार वगैरह सब वहीं हैं, शादीशुदा बेटी बच्चे सब वहीं हैं। बस हम तीन आए थे, ये बच्ची है मेरी और हस्बैंड है, मैं हूँ, हम तीनों आए थे। सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे जल्द आपस में हो जाए माहिदा कि भई हम आपके लोगों को भेज दें, आप हमारे लोगों को। तो अल्लाह का शुक्र है कि हो गया। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी पाकिस्तानी इंडियन मतलब पाकिस्तान में फंसे हुए वो भी सब अपने अपने घरों को जाएं और अपने मतलब अच्छी लाइफ गुजारें जाएं। दुआ कबूल होगी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआ कबूल हो गई और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन एम्बेसी के और पाकिस्तान एम्बेसी के। बहुत ज़्यादा कोशिशें आपस में की और अल्लाह का शुक्र है आज हम अपने घर जा रहे हैं। कुछ लोग उधर भी फंसे हुए ऐसे बुजुर्ग लोग? हाँ, उनको भी रिलीज मिलना चाहिए कि वो लोग भी अपने घरों को जाएं। मैं आया था सर 8 मार्च को, जैसे यहाँ पे आया था 8-10 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हम फंस गए। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट और हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत सी सुविधाएं दी हमें, हमारा मसला हल किया, हमें पाकिस्तान जाने की परमिशन मिली है। इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली हमारे लिए बॉर्डर खोली एक दिन, और हमारी पाकिस्तान की बॉर्डर का ने भी बहुत साथ दिया है जी। और थैंक्स करना चाहते हैं हम इंडियन गवर्नमेंट को, साथ साथ अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जिन्होंने हमारे लिए मदद की, हमारे लिए आवाज़ उठाई। और हम ये भी शुभकामनाएं करते हैं कि पाकिस्तान में जो बुजुर्ग फंसे हुए हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी रिलीज़ किया जाए, वो भी आ जाए, वो भी अपने घर वालों से मिलें। बस यही प्रार्थना करते हैं, सब आके अपने घर पहुँचे। कैसी कितनी खुशी महसूस हो रही घर जाने की? बस बहुत खुशी महसूस हो रही है, 2.5-3 महीने से फंसे हुए थे यहाँ पे, अब अपने घर जाएंगे, अपने देश जाएंगे, अपने मुल्क जाएंगे। वो तो पता है, अब बिछड़े हुए जैसे अपने घर वालों से मिलते हैं, सबको पता है कैसा लगता है। नो नीड टू एक्सप्लेनेशन फर्दर मोर, थैंक यू। हाँ, मैं कराची से हूँ, दिल्ली आई थी अपने सिस्टर से मिलने के लिए। 3 महीने आए हम, आए तो 10 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया था, इस वजह से कहीं घूम भी नहीं सके, कहीं जा नहीं सके। और फिर एम्बेसी में हमने लेटर लिखा,
वहाँ बच्चे परेशान थे, मेरे हस्बैंड के भी आँखों का ऑपरेशन होना था। मैं सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी और यहाँ मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए। अब अल्लाह करके शुक्र अदा कर रही हूँ कि अब अपने वतन जाएंगे हम खैर आफियत से इंशाल्लाह और सबसे मिलेंगे। इसकी खुशी हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया, मैं मोदी सरकार का भी और इमरान खान अपने वज़ीर आज़म का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने घर जाके अपने प्यारों से मिलें। तो क्या मैसेज देने चाहेंगे लोगों को कि कोरोना से बचने के लिए? हमें एहतियात करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, इस चीज़ को कबूल करें और अपने एहतियात प्रिकॉशन लेने चाहिए, ज़रूरी मास्क लगाना चाहिए, हैंड वॉश करें बार बार, सफाई का ख्याल रखें, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बना के रखें। ये छोटी छोटी अगर एहतियात करें, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन तो है नहीं, हमें एहतियात करनी है और डरने से या इसको अपने ऊपर सवार करने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो उधर बुजुर्ग फंसे हुए हैं, क्या कहना चाहिए सरकार को, उनको भी छोड़ना चाहिए, रिलीज करना चाहिए जो फंसे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान से भी लोगों को इसी तरह आना चाहिए जिस तरह से हम जा रहे हैं, ताकि अपने लोगों में आए, वो मिले। अपने घर की बात अलग होती है, चाहे हम कितने आराम से रह रहे हैं दूसरे वतन में, तो वो अपने घर जैसा सुकून और अपने लोगों में की बात अलग होती है, वो नहीं मिलता हमें। हमारे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक आज 179% है जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, इनमें से 23% है जो बाई एयर अमृतसर पहुँच रहे हैं, पहुँच चुके हैं, और 156% है जो बाई रोड अपने अपने व्हीकल पर इधर आ रहे हैं। आफ्टर इमिग्रेशन इनको अप्रॉक्सीमेट 10 बजे के करीब छोड़ा जाएगा यहाँ से। तो आफ्टर इमिग्रेशन कस्टम और जैसे जो जो प्रोसीडिंग होती है वो अडॉप्ट करके इनको दोबारा पाकिस्तान पाक रेंज के हवाले कर दिया जाएगा।